हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। बेसिकली ये हार्ट की जाने वाली जांचों में सबसे सिंपल जांच है। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। पेशेंट को एक पलंग पर लेटाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स उसके हाथों और पैरों में लगाए जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड छाती पर लगाए जाते हैं। बेसिकली ये हार्ट की करंट की जांच है कि हार्ट का करंट का प्रवाह कैसा है, हार्ट के करंट के चेंज ऑफ पैटर्न्स कैसे हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सबसे हार्ट का सिंपल टेस्ट और सबसे कम खर्चे वाला टेस्ट है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में 50-100 रुपये में हो जाता है। इसमें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि व्यक्ति को हार्ट अटैक, अगर पेन है छाती का तो वो हार्ट अटैक का तो नहीं है, ये पता चलता है। किसी को अगर हृदय की गति कम ज़्यादा है तो हृदय गति कितनी कम या कितनी ज़्यादा है उस बारे में पता चलता है। किसी को वाल्व का बीमारी है या हार्ट की स्नायु जाड़ी है या कोई और तरह का कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिलती है। हार्ट का नली का ब्लॉकेज इसमें हमेशा पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसको बाकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।